छोड़ दो, नहीं है तो गांव में है ना लोग, गाड़ी लगी है ना। अरे तो गंगा में चले जाओ, गंगा में से 10 लोग मिल जाएंगे, पहुंचता है आपको नहीं मिल जाएंगे। ठीक, देखिए चुनावी जो भाई इलेक्शन है उसी के संबंध में चुनावी रैली के मद्देनजर आज सीएम साहब आ रहे हैं, और क्लियर कट है जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है उस बात को जनता के बीच में रखेंगे। कांग्रेस और सपा के राज में जो दंगे होते थे, जिसकी चपेट में हिंदू और मुसलमान के साथ साथ दलित सबसे ज्यादा और मुसलमान उस दंगे का शिकार होता था, आज वो 6 साल के अंदर दंगा मुक्त करने का काम योगी जी ने किया। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बनाया जो गरीबों के इलाज के लिए, किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया खाते में सीधे किसान को जा रही है। आज भी कोरोना काल से लेकर आज तक फ्री राशन सबको मिल ही रहा है, सब लोग छान घोट रहे हैं। अब वहीं उठा के देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी 89 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाई। फिर 2 जून की घटना जब सपा और बसपा के बीच में तकरार हुआ, तो 2 जून को समाजवादी पार्टी के गुंडे मायावती जी की हत्या करना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय देवेंद्र द्विवेदी जी अपने दल बल के साथ गए और मायावती की जान ही नहीं बचाया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देके मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाकर उन गुंडों को नेस्तनाबूद करने के लिए, मुकाबला करने के लिए भी उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की देन है कि ओम प्रकाश राजभर भी आज, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के बदौलत नेता बन के दिख रहे हैं। तो ये बात समाजवादी पार्टी के नेताओं को, खासतौर से अखिलेश जी को बुरा लग रही है, क्योंकि वहाँ शिवपाल जी के आदमी बनते हैं, रामगोपाल जी के आदमी और अखिलेश जी के आदमी बनते हैं, यहाँ तो नेता बनाए जा रहे हैं। भाई आप नेता बनकर के अपने समाज के जो गरीबों के विकास के लिए जो योजनाएं आ रही हैं वहाँ तक पहुँचाओ, इसके लिए यहाँ काम हो रहा है। सर, कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि बीजेपी के नेता और ओम प्रकाश राजभर के दबाव में जनता को, एक समुदाय को दबाने की कोशिश की जा रही है, लाइटें काट दी जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी के लोग पहले कर चुके हैं, वही जानते हैं। ये हम लोगों की तरफ से साफ सुथरा, अगर ये करना होता तो फिर हम लोग यहाँ क्यों आते। ये समाजवादी पार्टी लोग अपने हताशा और निराशा के बयान दे रहे हैं, वो जान गए हैं। 5 तारीख को देखिएगा, आप ही लोगों के चैनल पर आके सफाई बोलेंगे कि हमारा वोट नहीं डालने दे रहे हैं, हमारा बूथवे नहीं यहाँ है। जब आपका वोटवे नहीं है तो डालेगा कौन? और 8 तारीख को गिनती होगी ना, तो फिर यही सफाई कहेंगे कि हमारा वोटवे अपने में मिला लिए, यही कहेंगे। और उनको यह नहीं पता है कि ओम प्रकाश राजभर एक एक वोट जोड़ करके गिन करके बता दिया हूं कि 50,000 से जीतेंगे। तो क्या रहेगा आंकड़ा? आज देखिएगा पूरे घोसी से हमारा लक्ष्य है कि 25,000 की भीड़ आपको दिखेगी, और जैसा कि जो मुझे सूचना मिली है पंडाल छोटा है, हमारे हिसाब से वो पंडाल कम से कम 3 गुना बड़ा होना चाहिए, तब वो भीड़ रोक पाएगा, और नहीं तो वो पंडाल तो नहीं रोक पाएगी भीड़ को। पंडाल आप देखने गए होंगे तो आपने नहीं? नहीं, हम रात को गए थे, तो गए झटके में देख के चले आए, हम तो जब ही बढ़ा रहे हैं अब, तो फिर सुबह हम अपन निकले तो अब चले गए मऊ, मऊ से आए तो फिर इधर काम में लग गए। देखिए जातिगत आंकड़ा में सामान्य वर्ग का अधिकतम वोट 40,000, मुसलमान का वोट 75,000, दलित का वोट 70,000, राजभर का वोट 65,000, 55,000 वोट चौहान का, 35,000 निषाद का। अब ओकरे बाद नाई गुण पाल प्रजापति कुम्हार लोहार धोबी धरकार पासी खटी बंजारा 2,000 वोट, तो यहाँ बंजारा कवापो न जानत हो गया 2,000 गिनती कई दल के करोड़ के मिला था। ये पूरा गिनती के किताब हम चापत है, वैसा तो रोज चापत है।